अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। नाज़रीन, आज एक बड़े स्पेशल टॉपिक पर बात करने का कहा गया है। मेरा कैमरामैन जो हुज़ैफ़ी है, वो उसने मुझे मेरी तवज्जो दिलाई इस पर कि जिनके रंग पीले हो जाते हैं, भूस पड़ जाता है, जिनको पंजाबी में कहते हैं उसको भूस पड़ गया, एनीमिया, खून की कमी, उस पर आज तक आपने बात ही नहीं की। अच्छा, घुस के पढ़ने की काफ़ी ज़्यादा वजूहत हैं, लेकिन हम एक चीज़ पर बात करेंगे, वो है एच बी लेवल का कम हो जाना या डाउन हो जाना, हेमोग्लोबिन, खून के सुर्ख ज़र्रात का कम हो जाना। उसकी वजह से चेहरा नहीं, पूरा जिस्म जो है वो ही भुस्सा हो जाता है, यानी पीला पड़ जाता है। हेमोग्लोबिन जो सुर्ख खुलियात हैं, ये शोक होते हैं उस वक्त जब इनको ऑक्सीजन फेफड़ों से अच्छी खासी मिकदार में मिलती है, तो उससे ये शोक सुर्ख हो जाते हैं और चेहरा भी सुर्ख हो जाता है। हेमोग्लोबिन की कमी को पूरा करने के लिए तो सबसे बेहतर चीज़ ये है कि आप अपनी ग़िज़ा को मतवाजन करें, अपनी ग़िज़ा में आप फल भी शामिल करें, आप उसमें सब्ज़ियाँ हैं, सलाद है, उसमें दूध है, दही है, शहद, ड्राई फ्रूट सब कुछ हो, तो बंदे का चेहरा जो है ना बड़ा खूबसूरत हो जाता है। हेमोग्लोबिन की कमी को दूर करने के लिए एक बड़ी ही कमाल की चीज़ जो आपकी नज़र करना चाहता हूँ, आपको बहुत सारी अद्वियात से जान छूट जाएगी आपकी, आप अगर उसके लिए उसके आयरन के काफ़ी ज़्यादा मरकबात इस्तेमाल करते हैं, मल्टीविटामिन इस्तेमाल होती हैं, कैल्शियम के मरकबात हैं, सीरप हैं, इंजेक्शन हैं, ड्रिप्स हैं, बहुत कुछ चलता है, कड़वी कसैली मजूने हैं, अर्कियात हैं, चलते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको बताता हूँ, जिसको हेमोग्लोबिन की कमी हो, चेहरा पीला हो, एनीमिया की कैफियत हो, उसके लिए अल्लाह पाक ने एक बड़ी कमाल की चीज़ पैदा की है, उसका नाम है अनार। अभी सीज़न शुरू हो गया अनार का। अनार दो किस्म का होता है, एक होता है सुरख रंग का कंधारी अनार, एक अनार होता है सफ़ेद जिसको बदाना अनार कहते हैं, मीठा होता है, सुरख अक्सर तुरश भी निकल आता है। तो अनार खाने से आप एक महीने के अंदर अंदर लाल सुरख अनार की तरह हो सकते हैं, लेकिन उसके खाने का खास तरीका है। जिसको एनीमिया हो, खून की कमी हो, उसका एच बी लेवल डाउन हो, तो वो रोज़ाना एक अनार, मैक्सिमम 200 ग्राम का अनार, अच्छी क्वालिटी का अनार हो, वो अनार ले लें। एक बड़े आदमी के लिए, बच्चों को इससे कम मिकदार में छोटा भी दिया जा सकता है। अब अनार के दाने निकाल लें, अनार को खोलें, फिर अल्लाह की कुदरत देखें, फब ये आला रबी कुमादू का दीबान, तह दर तह अल्लाह पाक ने दाने उसमें जोड़े होते हैं, और उन दानों के ऊपर भी एक बारीक सा गिलाफ होता है, झिल्ली होती है। आप अनार उसके दाने अलग से निकाल लें, और जो उसके ऊपर गिलाफ होता है बारीक सा, एक तो बाहर जिल्द होती है ना अनार की, वो नहीं, उसके अंदर एक गिलाफ होता है, वो गिलाफ जो है वो अलग से कर लें। आप सुबह फजर की नमाज अदा करें, अजगार से वज़ाइफ से फारिग होकर अल्लाह की हमद सना बयान करते हुए अब अनार के वो दाने खाना शुरू कर दें बिस्मिल्लाह पढ़ के, और उसका जो गिलाफ अंदर की सफेद झिल्ली है वो अलग से रख लें, उसको भी खाना है आपने, कड़वा कसैला सा जायका होता है उसका, उसको मुँह में डाल के चबा के ऊपर से फिर वो अनार के दाने खाएँ, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अच्छा, आप एक हफ्ता, दो, तीन और हद चार हफ्ते इसको इस्तेमाल कर लें, अल्लाह की रहमत से आप अपना पहले भी एच बी लेवल जो है वो चेक करवा लें किसी अच्छी लैब से, और तीन चार हफ्ते अनार इस तरह इस्तेमाल करने के बाद दोबारा चेक करा लें, इंशाल्लाह आपका एच बी लेवल जो है, जो 8.5 था या 9 था या 10 था, अल्लाह के फजल करम से 13 पॉइंट तक पहुंच चुका होगा। अक्सर का मैंने देखा 15 पॉइंट तक पहुँच जाता है, और बंदा अच्छा खासा एक्टिव लाल सुरख हो जाता है, और उसकी भूख चमक जाती है, भूख चमकने के साथ साथ उसके जिगर का फेल, उसके मैदे का फेल, उसकी अंतड़ियों का जो निज़ाम का मामला है, अल्लाह की रहमत से बेहतरीन हो जाता है, और बंदा बिल्कुल एक्टिव हशाश वशाश हो जाता है। लेकिन शर्त यह है कि आपने अनार को उसकी अंदरूनी झिल्ली के साथ इस्तेमाल करना है। मेरे पास अक्सर जांडस के मरीज़ आते हैं, हेपेटाइटिस बी सी वाले मरीज़ आते हैं, जो अद्वियात खा के उनके पल्ले कुछ भी नहीं रहता, वो फिर ढूंढते हैं जी अखिम साहब कोई मजून ऐसा दे दें जिसके खाने से खून की कमी पूरी हो जाए, शरबत फौलाद दे दें या कोई अपना मरकब दे दें। और लेकिन मैं उन्हें ये सदका जारिया के तौर पे कहता हूँ कि आप अद्वियात को छोड़ें, आप अनार खाना शुरू करें।
तो अल्लाह की रहमत से हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, हद 4 हफ्ते में हेमोग्लोबिन की मिकदार पूरी, रंग लाल सुरख और बंदा हर लिहाज से एक्टिव होता है। तो ये एक खास राज था। अक्सर अहबाब, बल्कि मैं भी उनमें शामिल हूँ, साथ कुछ दवाई भी दे देते हैं और अनार खाने का कह देते हैं कि इस तरह अनार खा के आपने ये वाली दवाई खानी, लेकिन असल काम ये अनार का है। और साथ अपनी गिजा को मतवाजन रखें, नमाज की पाबंदी करें, सुबह शाम के अजगार उनको पाबंदी से पढ़ें और अल्लाह से माफ़ियाँ मांगें। अल्लाह पाक बहुत जल्द अपने बंदे को तंदरुस्ती दे देते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहेंगे सदका जारिया के अंदर। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।